आज तप त्याग वात्सल्य की मूर्ति हमारी प्यारी माँ का जन्म दिवस है। ये शुभ दिन हम सब के जीवन में विशेष महत्व रखता है। धन्य वह घड़ी, धन्य वह बेला, धन्य वह दिवस, धन्य वह कोख और धन्य हुए हम सब जिन्हें माँ के आंचल का साया मिला। इस शुभ जन्म दिवस पर अपनी प्रसन्नता व मन के भावों को आपके साथ बांटने को मन किया। एक महान विभूति का संत के रूप में, एक शक्ति का माँ के रूप में धरती पर अवतरण हुआ। प्रकृति भी अभिभूत हुई होगी, अंबर गुनगुनाया होगा व धरती भी मुस्कुराई होगी। माँ के तप त्याग की सुगंध आज भी हमें आत्मविभोर कर जाती है। हम सब के लिए ये आध्यात्मिक पर्व है। हमें आत्मचिंतन का दिन बनाना चाहिए, जीवन को नई दिशा देने का संकल्प लेना चाहिए। आइए माँ के गुणों के दर्शन करते हैं। माँ का आत्मबल, माँ का अनुभव, माँ का आत्मज्ञान, माँ का प्रभावशाली व्यक्तित्व, वो चेहरे पर नूर, उनकी सहजता, सरल व्यवहार, शुद्ध आचार जो सिद्धांतों व आदर्शों से भरपूर था, एक बार जो भी उनके संपर्क में आया वह उन्हीं का ही हो गया। दैवी शक्तियों से भरपूर होते हुए भी माँ सागर की तरह गंभीर थे। उनके प्रेरणामय शब्दों से ना जाने कितने निर्बल निर्भय हुए, ना जाने कितनों के माँ ने बंधन काटे, ना जाने कितनों को फिसलन से बचाया, ना जाने कितनों के जीवन की दिशा ही बदल दी, जीवन के प्रति धारा दृष्टिकोण ही बदल गया। श्रद्धा, भावना, शक्ति, भक्ति का संचार करके उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। माँ, आपकी उदारता, आपकी समता, आपकी ममता, आपकी कोमलता, आपकी पवित्रता, आपकी सत्यता, आपकी सात्विकता, आपकी सजगता, आपकी दूरदर्शिता, आपकी निर्मलता, आपकी निष्कामता को हम नमस्कार करते हैं। गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी बाबा के कार्यों को निष्काम भाव से आगे बढ़ाया। बाबा की विचारधारा को ज्यों का त्यों ही आपने रखा। कर्म योगी के लिए परिस्थितियां कभी भी विपरीत नहीं होती, इसे आपने सत्य करके दिखाया और हमें प्रेरणा दी। ग्रस्त में रहते हुए साधारण जीवन को जीते हुए, साधारण कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आपने इतनी महानता को हासिल किया। आज के दिन आपने मेरे सिर पर वरद हस्त रखकर ये शब्द कहते हुए कि कांटों का ताज मैं तुझे पहना रही हूँ, इस दिन को समर्पण दिवस का नाम दिया। आपने समर्पण शब्द को सार्थक कर दिया, क्योंकि आपका गुरु के चरणों में समर्पण जो था वो बेमिसाल था। जिस लक्ष्य के लिए आपने सर्वस्व बलिदान किया, आपने हमारे लिए अपने जीवन की बाजी लगा दी। इस पवित्र मशाल को आपके आशीर्वादों से आपके बच्चे इसी तरह प्रज्वलित करके अनथक चलते रहेंगे। कृतज्ञता से भरा मन खामोश, आंसुओं से भरी आंखें, चलेंगे माँ हम तुम्हारे ही विचारों पर। ना है चिंता के डूबे या पहुँच जाएं किनारों पर। इतना दिया आपने, अब हमको भी कर्तव्य निभाना है। ऋण का इतना भार शीश पर लिए ना हमको जाना है। ज्ञानदायिनी ज्ञान रूपनी, प्रेमदायिनी प्रेम रूपा, सुखदायिनी पाप ताप शाप निवारनी, अशरण शरणा विघ्न हरना, माँ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंगल कामनाओं सहित आपकी माँ।